हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमित शाह जी ने मंच से हटवा दी है सुरक्षा के लिए लगी हुई बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड। जी हां दोस्तों, और ग्लास को हटाते हुए इन्होंने कहा कि अपने दिल से सभी लोग डर निकाल दीजिए। साथ ही कहा, मैं पाकिस्तान से नहीं आपसे बात करूंगा। जी हां दोस्तों, यानी कि अमित शाह जी ने भी दिखा दिया है कि मैं भी आप सभी की तरह आम नागरिक की तरह बिना सुरक्षा के हूँ। जी हां दोस्तों, ऐसे में उन्होंने जता दिया है कि कश्मीर हमारा सुरक्षित है। साथ ही दोस्तों आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे, जहां पर पाकिस्तान से खबर इमरान खान की बढ़ गई है मुसीबत। कट्टरपंथी टीएलपी ने दी है 2 दिन की मोहलत और रख दी है ये 2 मांगे। बताएंगे दोस्तों वो 2 मांगे कौन कौन सी है जो इमरान खान की हालत खराब कर सकती है। साथ ही बताएंगे, जहां फतह मुबारक हो मुसलमानों, भारत के खिलाफ जीत इस्लाम की जीत। जी हां दोस्तों, जश्न मनाने के बदले जहर ही उगलने लगा पाकिस्तानी नेता। बताएंगे किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों और क्या क्या कहा है जहर उगलते हुए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको हर तरह की आज खबर बताने वाले, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। दोस्तों साथ ही मोदी जी हैं, तो हर चीज संभव है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अमित शाह जी ने मंच से हटवाई सुरक्षा के लिए लगी बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड और कहा, मैं पाकिस्तान से नहीं आपसे बात करूंगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे और आखिरी दिन श्रीनगर में सोमवार को एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड हटवा दी और फिर कहा कि आप लोगों से खुलकर बात करना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं पाकिस्तान से नहीं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर दौरे का तीसरा दिन है। आज वे श्रीनगर पहुंचे, यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार की ओर से दी जा रही विकास परियोजनाओं का जिक्र किया। अमित शाह जी ने कहा कि घाटी आगे आने वाले दिनों में भारत को विश्व शक्ति बनाने में मदद करेगा। जी हां दोस्तों, अपने संबोधन के दौरान उन्होंने मंच से बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड हटवा दी, फिर कहा, मुझे बहुत ताने सुनाए गए, बहुत बोला गया, बहुत कड़े शब्दों में बोला गया, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ खुलकर बात करना चाहता हूं, इसलिए मैं बिना बुलेट प्रूफ ग्लास के आप लोगों से बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, ऐसे में अमित शाह जी के इस बयान और उनके इस क्रियाकलाप से अगर आप भी सहमत है तो बताइएगा जरूर दोस्तों। और जय हिंद जय भारतीय सेना कहना मत भूलिएगा कमेंट में। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान से खबर आ रही है इमरान खान की मुसीबत बढ़ गई है। दोस्तों कट्टरपंथी टीएलपी ने कर दी है 2 दिन की मोहलत और रख दी है ये 2 मांगे। आपको बता दें, पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। अपने 10,000 समर्थकों के साथ इस्लामाबाद की ओर कूच कर रही कट्टरपंथी तहरीके लबैक पाकिस्तान ने इमरान खान सरकार को 2 दिन की मोहलत दी है और उन्होंने कहा है कि वे उनके मुखिया को रिहा करें और फ्रांस के राजदूत को देश से बाहर निकाले। दरअसल टीएलपी अपने प्रमुख हाफिज हुसैन रिजवी की नजरबंदी के खिलाफ इस्लामाबाद की ओर कूच कर रहा है और इसी वजह से इमरान खान ने पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद को यूएई के दौरे से वापस बुला लिया है। दोस्तों उधर शेख राशिद ने टीएलपी के साथ बैठक की है। बैठक के बाद राशिद ने बताया है कि टीएलपी इस्लामाबाद में मार्च नहीं करेंगे क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया जाएगा। राशिद ने कहा कि टीएलपी के साथ किए गए समझौते के मुताबिक फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालने के मामले को पाकिस्तान की संसद में उठाया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब सरकार ने बताया है कि 10,000 टीएलपी कार्यकर्ता मुरीद के से गुंजरावाला तक डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की हालत खस्ता हो गई है दोस्तों और उनकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर जश्न मनाने के बदले जहर उगलने लगा पाकिस्तानी गृह मंत्री। जी हां दोस्तों, कहने लगे कि फतह मुबारक हो मुसलमानों, भारत के खिलाफ जीत इस्लाम की जीत, ऐसी बात बोली गई है। दोस्तों बता दें, खराब बल्लेबाजी और खराब गेंदबाजी की वजह से टीम इंडिया को यूएई और ओमान में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में रविवार को चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी। भारत पाकिस्तान मुकाबले के बाद एक और जहां भारत में थोड़ा गम का माहौल है, तो वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जश्न का। हालांकि पाकिस्तान टीम की जीत पर जहां इमरान सरकार के मंत्री शेख रशीद को फख्र करना चाहिए और जश्न मनाना चाहिए,
पर अपने आदतों से मजबूर ऐसे मौके पर भी वो जहर ही उगल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दे, क्रिकेट में जीत हार लगी रहती आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये एक गेम है दोस्तों। मगर पाकिस्तान को क्योंकि पहली बार भारत के खिलाफ विश्व कप में जीत नसीब हुई है, इसलिए पाकिस्तान के मंत्री इसे धर्म के एंगल से देख रहे हैं और जंग की भाषा बोल रहे हैं। अब आपको बता दे, पहली बार विश्व कप में भारत के खिलाफ मिली जीत पर पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री यानी गृह मंत्री शेख रशीद ने टिप्पणी की है और जहर उगला है। दोस्तों आपको बता दे, गृह मंत्री शेख रशीद ने रविवार को जहर उगलते हुए कहा कि पाकिस्तान द्वारा पहली बार T20 मैच में 10 विकेट से जीत हासिल करने के बाद भारतीय मुसलमानों सहित दुनिया के सभी मुसलमान जश्न मना रहे हैं। क्रिकेट की बाजी को जंग की बाजी की तरह पेश करते हुए उन्होंने भारत के खिलाफ मिली इस जीत को पूरे इस्लाम की जीत करार दिया है और दुनिया भर के मुसलमानों को फतेह मुबारक। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भारत के मुसलमानों को भी जीत मनाने की सलाह दी है, कहा है कि भारत के मुसलमानों को भी पाकिस्तान की इस जीत पर जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेटरों की जीत भारतीय मुसलमानों की भी जीत है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के भड़काऊ भाषण जहर वाली बात गृह मंत्री की ओर से कही गई है। दोस्तों पाकिस्तानी गृह मंत्री की तरफ से क्या कहना चाहेंगे और क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, आप लोग इस पाकिस्तानी गृह मंत्री को कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या क्या कहती है भारत की जनता। और दोस्तों जिन भाई और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों हमेशा की तरह इस वीडियो को और हमारी इस मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां शाह अब्दुल्ला की हत्या करना चाहते थे सऊदी क्राउन प्रिंस, पूर्व अधिकारी का सनसनीखेज खुलासा। जी हां दोस्तों, जमाल खगोशी की हत्या के बाद एक बार फिर से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान विवादों में घिर गए। दोस्तों अमेरिका और सऊदी अरब के आतंकवाद विरोधी संयुक्त प्रयासों की निगरानी में मदद करने वाले एक पूर्व वरिष्ठ सऊदी सुरक्षा अधिकारी ने मोहम्मद बिन सलमान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिकारी ने कहा है कि देश के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने पिता के शाह बनने से पहले तात्कालीन शाह की हत्या करने की बात कही थी। जी हां दोस्तों, पूर्व अधिकारी साद अल जबरी ने CBS न्यूज द्वारा रविवार को प्रसारित कार्यक्रम 60 मिनट्स में दिए साक्षात्कारों में अपने दावे के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दिया है। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर एनकाउंटर को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां तेलंगाना से छत्तीसगढ़ की सीमा पर 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। दोस्तों बता दें, वेंकटपुर में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मुलुगु पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए हैं। दोस्तों तेलंगाना के मुलुगु पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि इनके कब्जे से एक SLR AK-47 मशीन गन और विस्फोटक पदार्थ भारी मात्रा में बरामद हुआ है। जी हां दोस्तों, बात करें अगली खबर की, तो पाकिस्तानी एंकर ने कहा कि शाहरुख खान को भारत छोड़ देना चाहिए और परिवार के साथ पाकिस्तान आ जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 4 अक्टूबर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB की हिरासत में है और उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। दोस्तों आर्यन खान को क्रूज पर चल रही एक रेव पार्टी से हिरासत में लिया गया था। NCB का आरोप है कि आर्यन खान ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है। 23 साल के आर्यन खान की गिरफ्तारी का मुद्दा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी छाया हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के होस्ट वकार जाका ने ट्वीट किया है कि शाहरुख खान सर, आप भारत छोड़िए और अपने परिवार के साथ पाकिस्तान आकर बस जाइए। नरेंद्र मोदी सरकार आपके परिवार के साथ जो कर रही है वो बिल्कुल गलत है। मैं शाहरुख खान के साथ खड़ा हूँ। इस ट्वीट के बाद वो जमकर ट्रोल भी हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी वकार जाका का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे और क्या जवाब देना चाहेंगे बताइएगा जरूर। इस प्रकार से मोदी सरकार को दोस्तों इसमें घसीटा जा रहा है और कोई अगर जुर्म करे उसको उसकी सजा भी मिलने वाली हो तो मोदी सरकार ने ही गलत किया है दोस्तों, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना होता है। तो जवाब बिल्कुल जरूर दीजिएगा आप लोग, देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अब काम के बदले पैसा नहीं खाना देगा तालिबान। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भुखमरी से निपटने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें मजदूरी में गेहूं दी जाएगी। दोस्तों देश अकाल और भुखमरी के बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। अफगानिस्तान में भुखमरी से लोगों को बचाने के लिए तालिबान सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मजदूरों को काम के बदले गेहूं दी जाएगी। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि मुख्य शहरों और कस्बों में ये योजना शुरू की जाएगी। काम के बदले अनाज की इस योजना के तहत सिर्फ राजधानी काबुल में 40,000 पुरुषों को काम दिया जाएगा। प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि बेरोजगारी से लड़ने के लिए ये एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की,
एनसीपी नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाए गंभीर आरोप, जिसके बाद एनसीपी अधिकारी ने दिया करारा जवाब। दरअसल आर्यन खान ड्रग्स केस में लगातार नए ट्विस्ट आ रहे और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नए आरोप लगाए और कहा है कि वो फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट दिखाकर आईआरएस अधिकारी बना है। और इस पर समीर वानखेड़े ने जवाब दिया और आरोपों को झूठा करार दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि एक सही कार्य करने वाले लोगों को ऐसे ही भटकाया जाता है दोस्तों और उनके रास्तों पर रोड़ा अटकाया जाता है, तो आप भी सुझाव जरूर दीजिएगा। और समीर वानखेड़े के इस निष्ठा भरे काम को लेकर आपकी क्या राय सुझाव होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। देखते हैं क्या क्या कहती है भारत की जनता इनको लेकर। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सब अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, बने रहने के लिए। जय हिंद दोस्तों।